हम लड़कों का दिल खिलौना नहीं होता कि जब मन किया खेला और जब मन किया तोड़ दिया। सॉरी दीप, आप इस जॉब के लायक नहीं हैं, आप जा सकते हैं। मैम प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैम मुझे इस जॉब की बहुत नीड है और मेरे पास कोई और ऑप्शन भी नहीं है, प्लीज मैम। बट दीप, हम जॉब क्वालिफिकेशन के बेस पे देते हैं, इमोशन के बेस पे नहीं। यू मे लीव नाउ। फोन दे। फोन दे। मैं नहीं दूंगी फोन। फोन दे दे नहीं तो पेट में चाकू डाल के सारा सामान बाहर कर दूंगा। फिर बन के मासूम डंग मारे हो गया तो खा देगी है तू सानू मुटियारे हो साडा छल्ला होला। Thank you.
और वो वाला काम करवा दे तू, है ना? मुकुल चल, ये शायद तुझसे मिलने आई है और वैसे भी ये बेगर काम के किसी से मिलती नहीं है, कर ले बात। हाँ जी मैडम। हट। अरे यार आज ये फिर से आ गई। भाई मुझे लगता है ये मुझसे नहीं आपसे मिलने आई है। मुकुल प्लीज एक बार मेरी बात सुन लो। ये सारी बातें उसे जाके सुना जिसके लिए तूने मुझे छोड़ा है। हम लड़कों का दिल खिलौना नहीं होता कि जब मन किया खेला और जब मन किया तोड़ दिया। और एक और बात, ना मुझे तुझ में कोई इंटरेस्ट है ना तेरी किसी बात में, तो अच्छा यही होगा कि मेरा पीछा करना छोड़ दे। मुकुल प्लीज। मुकुल हेलो बंटी, क्या हाल है मेरे भाई? आज कैसे याद आ गई? भाई जब से तू रुटकी गया तू तो हमें याद करता नहीं, सोचा मैं ही कॉल कर लूँ तुझे। क्या हुआ, सब ठीक तो है? भाई आज वो फिर मिली थी। फिर मिली थी? प्यार तो तुझसे करता ही है ना, तो मुझे लगता है तुझे एक बार उसकी बात सुननी चाहिए। प्यार? प्यार सबने तो मेरी बैंड ही बजा दी। जब एक लड़की को ये पता लग जाता है ना कि लड़का उसके बगैर जी नहीं सकता, तो वो लड़की उसे जीने नहीं देती। अबे छोड़ ना यार, तू भी किसकी बात लेके बैठ गया? तेरे दिमाग को ना शांति की ज़रूरत है। एक काम कर, तू मेरे पास आ जा, तुझे यहाँ उत्तराखंड में वादियों में घुमाता हूँ। चल ठीक है। हेलो। हेलो मुकुल, मुकुल प्लीज एक बार मेरी बात सुन लो, फोन मत काटना प्लीज। मुकुल मैं बहुत बड़ी प्रॉब्लम में हूँ, तुम प्लीज एक बार मुझसे मिल लो। मैं यहाँ रोमन कोर्ट के पास खड़ी हूँ, तुम प्लीज जल्दी आ जाओ प्लीज। क्या हुआ दीप, सब ठीक तो है ना? हाँ मुकुल सब कुछ ठीक है। आई एम सॉरी मुझे तुम्हें यहाँ झूठ बोलकर बुलाना पड़ा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोलो, जल्दी बोलो। वो एक्चुअली मुकुल, तुम्हारे जाने के बाद आकाश ने मुझे चीट किया। उसके जाने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया था। आई नो मैंने बहुत गलत किया, पर प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। तुम जो भी पनिशमेंट मुझे देना चाहते हो तुम दे सकते हो, पर प्लीज़ मेरी लाइफ में वापस आ जाओ। मुझे पता है कि तुम आज भी मुझसे उतना ही प्यार करते हो, प्लीज़ कम बैक इन माई लाइफ। प्यार तो मैं तुमसे आज भी बहुत करता हूँ, और तुम कहो तो तुम्हारे लिए जान भी दे दूँ।
लेकिन तुम्हें देखने का दिल नहीं करता। और रही वापस आने की बात, तो मुकुल एक गलती दोबारा नहीं दोहराता। मुकुल सुन, जब तक पास थी तब तक खास थी। और एक और बात, जिस कंपनी में तू जॉब के लिए ट्राई कर रही थी ना, ये उस कंपनी का जॉइनिंग लेटर। जा, जी ले अपनी जिंदगी। हेलो गाइस, तो पार्ट टू कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना यार। आप लोग बहुत कम कमेंट करते हो, तो कमेंट जरूर करना, लाइक कर देना, और रेड वाला बटन है उसे भी दबा देना, और उसके बगल में नोटिफिकेशन बेल आइकन है उसे भी क्लिक कर लेना नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए बाय बाय, लव यू।